तसल्ली करनी पड़ती है ना इंसान को हर तरह से, बस वही कर रही हूँ मैं, मेरी तसल्ली हो जाए। कमरा जो है वो साफ़ है, एक हफ़्ता आराम से, मेरी सफाई ऐसी होती है कि मैं एक हफ़्ता आराम से निकाल लेती हूँ, बाजू का तो मैं महीना महीना निकाल लेती होती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोग की? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। अच्छा, आज क्योंकि संडे है तो संडे को ऑब्वियसली ऐसा होता है कि सबके सब लोग जो है अपने घरों की सफाइयाँ वगैरह करते हैं, तो मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे कमरे की सफाई और कोई करता नहीं है क्योंकि मुझे पसंद नहीं आती है। मेरा ये होता है कि एक ही दफ़ा कर लूँ तो पूरा हफ्ता जो है वो सफाइयाँ आराम से चल जाएँ। तो आज मैं करने वाली हूँ अपने कमरे की सफाई, और ये है मेरा रूम, तो ये है मेरा रूम और मैं आज अपने कमरे की करने वाली हूँ सफाई, और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं सफाई कैसे करती हूँ। आई डोंट नो मैं क्यों दिखा रही हूँ ये सब, बट मैं दिखा रही हूँ अब क्योंकि जाहिर सी बात है व्लॉगिंग की दुनिया में आ चुकी हूँ, तो फिर मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे दिखाना भी तो ज़रूरी है ना, बताना भी तो ज़रूरी है ना। सो लेट्स वॉच टुगेदर कि कमरे की सफाई कैसे होती है, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद अपने रूम की सफाई करने लगी हूँ, तो ऐसे चलेगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, मेरे साथ साथ रहिएगा। आज होने लगी है कमरे की सफाई। यस, सफाइयाँ करना भी बड़ा ज़रूरी होता है कमरे की, पता है, बहुत ज़्यादा गंद हो जाए ना तो फिर, हालांकि कमरा साफ़ ही है, ज़्यादा कुछ साफ़ करने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी तसल्ली करनी पड़ती है ना इंसान को हर तरह से, बस वही कर रही हूँ मैं, मेरी तसल्ली हो जाए। कमरा जो है वो साफ़ है, एक हफ़्ता आराम से, मेरी सफाई ऐसी होती है कि मैं एक हफ़्ता आराम से निकाल लेती हूँ, बाजू का तो मैं महीना महीना निकाल लेती होती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। इतना गंद इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है ऑफिस में और स्टडी के दौरान में कि मैं रूम की डेली के डेली सफाई कर सकूं, लेकिन जितनी कर सकती हूँ उतनी मैं साफ़ रखने की बड़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर नहीं रख पाती हूँ तो फिर यही हाल होता है, और अभी मैं वही खलारा जो है कुंजने लगी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा के सफाई करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में सफाई करती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे हर चीज़ को देखने में, समझने में कि कहाँ से किसकी कितनी ज़रूरत है सफाई करने की। सो बेड इज़ ऑलमोस्ट सेट, मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, जस्ट इग्नोर इट। तो बेड इज़ ऑलमोस्ट सेट, तो अभी बाकी नीचे की सफाई रह गई है, और मेरी ड्रेसिंग। आई एम नॉट अ हाउस गर्ल, हाउस वुमेन, मुझे घर के काम काज करना बिल्कुल नहीं आता है, ना ही अच्छा लगता है, बट जहाँ तक मेरी ज़ात की सवाल है तो हाँ, अपनी ज़ात की हद तक मैं जितना भी काम कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ, जैसे कि अपने रूम की सेटिंग वगैरह करना, इसको क्लीन रखना, इसको साफ़ करना, तो इस हद तक मैं जितना भी काम है ना वो पॉसिबल होता है वो कर लेती हूँ। बेल बजी है, तो बेल पे पता नहीं कौन है कौन नहीं है। तो अभी मैं अपनी सबसे जो मुश्किल काम है ना सफाई का वो करने जा रही हूँ, अपनी ड्रेसिंग सेट करने जा रही हूँ। रखना है ख़ुद को क्लीन, मतलब कि बात लेना है। नहाऊँगी, नहा के तो फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं। मैं नहा के अच्छी बच्ची बन के फ़्रेश हो के आ गई हूँ और अपना रूम भी मैंने जो है वो क्लीन अप कर लिया हुआ था। सारी क्लीनिंग हो गई हुई है, हर चीज़ अब अपनी जगह पे सेट है। तो अभी मैं एक हफ़्ते के लिए रिलैक्स हूँ कि अभी मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। नई नई करके अच्छे कपड़े पहन के, मैंने ये वाले अच्छे कपड़े पहने हैं। आई लव दिस कलर। ये कुर्ता मैंने लिया था मून मार्केट से और ये जो ऊपर मैंने स्वेटर पहना हुआ है ये मेरी सिस्टर का था। घर में फिर जाहिर सी बात है घर वाले कपड़े पहनने होते हैं, घर वालों की तरह से रहना होता है। तो घर में कोई मुझे परवाह नहीं होती, मैं इवन कपड़े भी प्रेस नहीं करती हूँ। मुझे घर के काम करना, सफाइयाँ करना, सुथराइयाँ करना, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना मैं करती हूँ। तो खाने वाने बनाने भी मुझे नहीं आते। घर का जितना भी काम है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आई एम नॉट अ हाउस गर्ल, आई एम नॉट अ हाउस वूमेन। सो मुझे घर के कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। खिला दो पिला दो, मैं खुश रहती हूँ ऐसे ही। तो ये सब चीज़ें करनी मुझे आती नहीं है और ना ही मैं करना चाहती हूँ लाइफ में कभी। बट हाँ, जहाँ तक मेरे हद तक की बात है तो वो मैं कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी अगली वीडियो तक के लिए शाज़िया सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।